देर से ही सही, लेकिन विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आई। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाने और पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद एक बड़ी रैली विपक्षी पार्टियों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में की। हालांकि ये मार्च के महीने में उनकी तीसरी रैली थी, विपक्षी पार्टियों की तीसरी रैली थी, लेकिन इसके पहले जो दो रैलियां हुई थी उनमें कई नेता गैर हाजिर रहे थे, कई नेताओं ने हिस्सा नहीं लिया था, कई पार्टियों ने अपने प्रतिनिधि भी नहीं भेजे थे। पहली रैली 3 मार्च को हुई थी पटना के गांधी मैदान में, उसमें अनेक पार्टियों के नेता नहीं शामिल हुए थे। वो मूल रूप से राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट की रैली थी जिसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी शामिल हुए थे। उसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई, समाप्त हुई, जब उसकी समापन पर एक रैली हुई थी मुंबई में, उसमें भी अनेक पार्टियों के नेता नहीं शामिल हुए थे। फिर भी 3 मार्च और 17 मार्च की रैलियों को मान सकते हैं कि वो शुरुआत थी विपक्ष की साझा रैलियों की। और उसके बाद 31 मार्च को दिल्ली में 27 पार्टियों के तमाम बड़े नेता शामिल हुए, एक ममता बनर्जी को छोड़ दें और डीएमके नेता, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को छोड़ दें, तो सभी पार्टियों के बड़े नेता उस रैली में शामिल हुए। तो ये कह सकते हैं कि देर से ही सही, लेकिन मोमेंटम पकड़ रहा है, अपोजिशन का अभियान तेज हो रहा है, विपक्षी पार्टियां साझा संकल्प जाहिर कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए, एक अपनी साझा समझ और जिद दिखा रही हैं। इस जो दिल्ली की रैली हुई उसका इमीडिएट कारण, तात्कालिक कारण उसका यह था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी शराब नीति के मामले में, शराब नीति से जुड़े धनशोधन के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। अब तो वो न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं, लेकिन उनसे 2 बार में ईडी ने पूछताछ की है। 21 मार्च के बाद से आज 1 तारीख तक जब उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया, अब इसके बाद कहा जा रहा है कि सीबीआई उनको हिरासत में लेगी और सीबीआई भी पूछताछ करेगी। तो ये एक अलग मामला है, लेकिन तात्कालिक कारण यही था। इससे 2 महीने पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन तब ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। हो सकता है कि अभी चुनाव नजदीक है, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए विपक्ष की पार्टियों ने यह तय किया हो कि अभी रैली करते हैं। उसका एक और कारण था, पहले तो यही लगा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रैली होगी, लेकिन फिर उसमें विपक्षी पार्टियों ने कई मुद्दे शामिल कर दिए। कांग्रेस पार्टी के जो बैंक खाते सीज किए गए हैं और उसको लगातार टैक्स के नोटिसेज आए हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया। विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को शामिल किया गया। लोकतंत्र बचाओ, इसको तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ रैली का नाम दिया गया। ये रैली अपने आप में चुनाव के बीच जब इतनी पार्टियां एक साथ आती हैं, एक मंच पर आती हैं और तमाम बड़े नेता शामिल होते हैं, तो उसका एक मैसेज जाता है दूर तक। ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का मामला नहीं होता है रैली करना, उसके साथ नैरेटिव भी सेट होता है, उससे संदेश का प्रसारण होता है, पूरे देश में उसका एक मैसेज जाता है। और एक रामलीला मैदान की ऐतिहासिकता है, वहां की रैलियों की ऐतिहासिकता है, और ये अनायास नहीं है कि जब से विपक्षी पार्टियों ने ये रैली प्लान की तभी से इसकी तुलना 25 जून 1975 की रैली से की जाने लगी। 25 जून 1975 को एक ऐतिहासिक रैली हुई थी रामलीला मैदान में, और उसी दिन रात में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। उस रैली में इतनी भीड़ जुटी थी जिसका रिकॉर्ड बताते हैं कि आज तक नहीं टूटा है। वो रैली सफल न हो इसके लिए उस समय सरकार ने दूरदर्शन पर बॉबी फिल्म का प्रसारण कराया था 4 बजे से, ताकि लोग फिल्म देखने में रह जाए। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, दूर दूर से लोग आए थे और उसमें तमाम बड़े नेताओं के भाषण हुए थे, जयप्रकाश नारायण से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक। तो उस रैली से इसकी तुलना पहले दिन से होने लगी, या उसके पहले पटना के गांधी मैदान में जो रैली हुई थी जेपी की, उस तरह की रैलियों से इसकी तुलना हो रही थी। हालांकि संदर्भ अलग है, समय अलग है, लेकिन फिर भी जब चुनाव के समय इस तरह की रैलियां होती हैं, इतनी भीड़ जुटती है, इतने नेता जुटते हैं, तो उसकी एक व्याख्या होती है और उसकी ऐतिहासिकता, उसके संदर्भ खोजे जाते हैं। तो उस लिहाज से ये एक बड़ी रैली थी और इस रैली में भीड़ भी जुटी और नेता भी इकट्ठा हुए। अब सवाल है कि इस रैली से जो संदेश निकला है, जो विपक्षी पार्टियों ने बातें कही हैं, क्या उससे विपक्ष जनता को इतना आकर्षित कर सकता है, अपनी तरफ कर सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके? यह मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये जो विपक्ष का अभियान बहुत देर से शुरू हुआ है। हो सकता है कि अभी भी इस बात को कंटिन्यू करें, विपक्षी पार्टियां लगातार इस तरह की रैलियां हो, साझा अभियान चले, हर सीट पर साझा उम्मीदवार देने की बात अब भी पूरी हो जाए, तो
लड़ाई कांटे की बन सकती है कई जगहों पर, लेकिन बीजेपी का अभियान बहुत पहले से चल रहा है और अपोजिशन का अभियान भी पिछले साल सितंबर अक्टूबर में शुरू हो जाना चाहिए था। ये याद रखने की जरूरत है कि विपक्ष को एकजुट करने का अभियान पिछले साल अप्रैल मई में शुरू हुआ था, जब नीतीश कुमार ने तमाम विपक्षी पार्टियों को पटना में इकट्ठा किया, तब तो इसका एक स्वरूप बन गया था जून में। फिर जुलाई में बेंगलुरु की रैली हुई, फिर मुंबई की रैली हुई 31 अगस्त और 1 सितंबर को, फिर उसके बाद तमाम पार्टियां चुनाव में लग गई। अगर उस समय एक साझा रैली प्लान हुई थी मुंबई की बैठक के बाद, जो कोर कमेटी बनी हुई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है इंडिया की, इंडिया ब्लॉक जो है अपोजिशन का, उसकी उसमें एक साझा रैली तय की गई थी भोपाल की, अगर उस समय भोपाल में साझा रैली हुई होती और अपोजिशन की पार्टियां तब से एक साथ साझा अभियान चला रही होती, तब हो सकता है कि तस्वीर कुछ और होती। हालांकि ये नहीं कह सकते हैं कि साझा रैली हो जाती तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत ही जाती, लेकिन नहीं हुई है तो उसके बाद का नतीजा सबके सामने है। उसके बाद भी 4 महीने तक अपोजिशन की पार्टीज की रैली नहीं, सीट बंटवारा भी आखिरी समय तक अटका रहा और अंत में ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी से तालमेल हुआ तो वो भी हर जगह नहीं हुआ। इस तरह की कई विरोधाभासी बातें रह गई। इसलिए हमने शुरू में ही कहा कि देर से किया है, लेकिन फिर भी दुरुस्त कह सकते हैं क्योंकि अभी 2 महीने की चुनाव प्रक्रिया है। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है और उसके बाद 1 जून तक चुनाव की प्रक्रिया चलनी है। तो अगर अपोजिशन की पार्टी इस तरह की और रैलियां करती हैं, तमाम बड़े नेता एकजुट होते हैं, जैसे दिल्ली के मंच पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी बाढ़ रहे, यानी कांग्रेस का समूचा शीर्ष नेतृत्व मौजूद था, उसी तरह से अखिलेश यादव थे, तेजस्वी यादव थे, सीताराम येचुरी थे, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मुंबई के में जो 2 सहयोगी पार्टियां उन दोनों के शीर्ष नेता थे उद्धव ठाकरे और शरद पवार, ये तमाम नेता इस बैठक में शामिल हुए, इस रैली में शामिल हुए। तो इस तरह की एकजुटता का एक मैसेज बनता है। ये मैसेज जो है अपोजिशन की तरफ से ये दिया गया, लोकतंत्र बचाओ, तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। अब पता नहीं जनता सीधे सीधे इस बात को समझ रही है या नहीं समझ रही है। जो क्लासिकल सेंस में हो सकता है कि जनता नहीं समझ रही हो कि कोई तानाशाही आई है या लोकतंत्र को बचाने के लिए उसको एक बड़ी भूमिका निभानी है, क्योंकि जनता कभी ये सोच करके वोट नहीं करती है कि उसको लोकतंत्र बचाना है या लोकतंत्र मजबूत करना है। वो वोट करती है सोच समझ के करती है और उसी की वजह से समय के साथ भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी होती गई। लेकिन अनिवार्यतः ये नहीं होता है कि जनता ये सोच करके वोट करने जा रही है कि वो लोकतंत्र की रक्षा कर रही है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये काम कर रही है। इसलिए हो सकता है कि उस क्लासिकल सेंस में जनता इस बात को नहीं समझ रही हो कि लोकतंत्र पर क्या खतरे हैं या क्या चुनौतियां हैं, लेकिन देश में जो कुछ भी हो रहा है उसको जरूर एक एक आदमी देख रहा है और समझ रहा है कि यह ठीक नहीं हो रहा है, ये अति हो रही है। ठीक नहीं हो रहा है और अति हो रही है, इसके कई संदर्भ हैं। जैसे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री कहते हैं कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई है और उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। जिस समय दिल्ली में रैली हो रही थी उसी समय प्रधानमंत्री ने ये बात मेरठ की अपनी सभा में कही, रैली में कही कि वो पीछे नहीं हटने वाले हैं और करप्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन उसी के साथ जितने लोगों पर खुद बीजेपी ने करप्शन के आरोप लगाए थे अपोजिशन के नेताओं पर, उनमें बड़ी संख्या में वैसे नेताओं को बीजेपी में शामिल कर लिया गया है और उनके करप्शन के केसेस खत्म भी हो रहे हैं। जैसे जिस दिन ये रैली हुई है उसके ठीक पहले प्रफुल्ल पटेल का केस में क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई, जो एयर इंडिया के विमान लीज पर लेने या खरीदने के मामले में उनके ऊपर जो आरोप लगे थे। तो चाहे अजीत पवार हो, अशोक चौहान हो, प्रफुल्ल पटेल हो, इस तरह के तमाम लोग हैं जिन लोगों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, इनके ऊपर खुद बीजेपी ने आरोप लगाए थे। तो ये करप्शन से लड़ने का ये रिजॉल्व है, ये संकल्प है कि एक तरफ अपोजिशन के नेताओं के खिलाफ लगातार केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है, सबसे बड़ा जो विपक्षी दल है उसके खाते सीज कर दिए जा रहे हैं, उसको 3,500 करोड़ रुपए का टैक्स का नोटिस भेजा गया है, और दूसरी ओर उनमें से कोई आरोपी कोई चला आता है बीजेपी में तो उसके खिलाफ सारे मामले बंद हो जाते हैं। इस पर लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे, किस अनुपात में वोट करेंगे, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यह मानना भी गलतफहमी होगी कि लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं या इसके पीछे की राजनीति को नहीं समझ रहे हैं। वो इसके पीछे की राजनीति को बखूबी समझते हैं। हो सकता है कि किसी और मुलाहिजे में, किसी और अपने ऑब्लिगेशन में वोट करें, लेकिन वो इस बात को समझ रहे हैं। अगर अपोजिशन की पार्टी जिसको इशू बनाती है, चुनाव के समय जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, चुनाव के समय जिस तरह से मुख्यमंत्री गिरफ्तार किए जा रहे हैं, जिस तरह से छापे पड़ रहे हैं, अगर उनको इशू बनाता है अपोजिशन, तो ये एक बड़ी बात होगी, जनता के दिमाग में ये बात आएगी। उसी तरह से इसमें जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कई
मांगे रखी, जो गिरफ्तार किए नेताओं हैं, नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको रिहा करने की मांग रखी उन्होंने चुनाव आयोग से। उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करना चाहिए, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तो इन सब बातों पर भी ध्यान देना चाहिए और अपोजिशन अगर इनको लगातार उठाता है तो ये बात लोगों को, लोगों तक पहुंचेगी। कमी सिर्फ ये है, ये अच्छी पहल है, अपोजिशन इस तरह से चुनाव के समय लड़ेगा तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा ही होगा। लेकिन कमी इसमें यह है कि अपोजिशन की पार्टियों के अपने विरोधाभास बहुत हैं जो जाहिर हो रहे हैं। उसी मंच से सुनीता केजरीवाल ने, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा और उस संदेश में बार बार केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि 75 साल से इस देश में कुछ नहीं हुआ है। तो ये जो 75 साल में कुछ नहीं होने का नैरेटिव है, ये बीजेपी का है जो उसने कांग्रेस के खिलाफ खड़ा किया हुआ है। और वही बात अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कांग्रेस उस मंच पर खड़े होकर के, जहां कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेता मौजूद थे। उनकी उनके शब्द उनके थे, वो बोल सुनीता केजरीवाल नहीं थी। तो ये एक विरोधाभास है कि वो भी अटैक कर रहे हैं उसी तरह से कांग्रेस को कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, अस्पताल नहीं है, इलाज के लिए जब लोगों को इलाज नहीं मिलता है तो भारत माता रोती है, इस तरह की बातें उनकी तरफ से भी कही है। ये विरोधाभास भी लोगों ने, मतदाताओं ने नोट किया होगा कि केजरीवाल की पत्नी और सोनिया गांधी, सुनीता केजरीवाल और सोनिया गांधी बात कर रहे हैं, मंच साझा कर रहे हैं सब लोग। और वहां पंजाब में, पंजाब के मुख्यमंत्री भी मंच पर थे, उन्होंने पैर छू करके के प्रणाम किया मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस अध्यक्ष को। लेकिन वहीं पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, एक दूसरे पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ऐसे लड़ रहे हैं जैसे जानी दुश्मन लड़ते हैं। तो दिल्ली हरियाणा में साथ मिलकर लड़ रहे हैं, पंजाब में आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो जनता भी इस विरोधाभास को समझती है। यही लेफ्ट और कांग्रेस का है जो कई जगह तालमेल कर रहे हैं और केरल में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। यही स्थिति तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट की है जो एक दूसरे के खिलाफ लगातार आग उगल रहे हैं। तो इस तरह के जो विरोधाभास है, विडंबनाएं हैं, उनको कम से कम अगर करने का अपोजिशन की तरफ से कोशिश होती तो उसका कुछ ज्यादा फायदा होता। अब भी इन विरोधाभासों को अगर अपोजिशन कम करता है, साझा लड़ाई बनाता है, हर सीट पर साझा उम्मीदवार देने की बात अभी आगे बढ़ती है और इस तरह की साझा रैलियां होती रहती हैं, तो चुनाव अगले 2 महीने में दिलचस्प हो जाएगा अगर कंटिन्यू करता है अपोजिशन। धन्यवाद।